गणेश विसर्जन के समय रहे शहर में शांत माहौल। गोंदिया जिले के सड़क अर्जुनी तहसील के डुग्गीपार पुलिस स्टेशन के तहत सड़क अर्जुनी तहसील में सार्वजनिक 70 गणेश जी की मूर्तियों की स्थापना की गई है। स्थापित की गई गणेश जी की मूर्तियों का विसर्जन श्रद्धा पूर्वक 1 सितंबर को किए जाएंगे। गोंदिया जिले के SP मंगेश शिंदे, अतुल कुलकर्णी, अपर पुलिस अधीक्षक देवरी गोंदिया प्रशांत ढोले, उप विभागीय पुलिस अधिकारी देवरी इनके उपस्थिति में पुलिस स्टेशन डुग्गीपार के हद में कायदा एवं किसी तरह की अनहोनी घटना न घटे एवं गणेश विसर्जन के समय शांतता बनी रहे, इसी उद्देश्य से पुलिस स्टेशन डुग्गीपार के तहत 31 अगस्त को सड़क अर्जुनी शहर में पंथ संचलन रूट मार्च किया गया। पुलिस स्टेशन डुग्गीपार का पंथ संचलन सेडा चौक से शुरू होकर गुजरी चौक, फिर से सेंडा चौक एवं गोंदिया रोड के विसर्जन स्थल तक, फिर से सेंडा चौक सड़क अर्जुनी यहां लाके समाप्त किया गया। इस पथ संचलन के समय प्रशांत ढोले, उप विभागीय पुलिस अधिकारी देवरी डुग्गीपार, पुलिस स्टेशन के थानेदार विजय पवार, सहायक पुलिस निरीक्षक खोबरागढ़ एवं 60 पुलिस कर्मी उपस्थित थे। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए गोंदिया से मुकेश खरोले के साथ शाहिद पटेल की रिपोर्ट। उद्या दिनांक 1 सप्टेंबर 2020 रोजी अनंत चतुर्दशी आहे, त्या निमित्तानं हे पोलीस स्टेशनच्या हद्दीतील जे काही सार्वजनिक मंडळ आहे त्याचं विसर्जन उद्याच्या तारखेला मोठ्या प्रमाणात होत असतं। त्या अनुषंगाने जे पोलीस स्टेशनच्या हद्दीतील किंवा उपविभागामध्ये जे संवेदनशील ठिकाणी आहेत त्या ठिकाणी आपण रूट मार्च काढण्याचं प्रयोजन असतं। याचा मुख्य हेतू हा असतो की लोकांच्या मध्ये पोलीस दल सुसज्ज असल्याचा एक संदेश द्यावा, आणि त्या अनुषंगाने आज म्हणजे डुग्गीपार पोलीस स्टेशन अंतर्गत सडक अर्जुनी या ठिकाणी आज रूट मार्च काढण्यात आला। लोकांना याद्वारे मी आवाहन करतो की आज करोनाची आणि गोंदिया जिल्ह्यामध्ये प्रामुख्याने पूरस्थिती गंभीर आहे, या पार्श्वभूमीवरती लोकांनी ज्या आपल्या सार्वजनिक गणेश मूर्त्या असतील किंवा खाजगी गणेश मूर्त्या असतील त्याचं विसर्जन नैसर्गिक नाल्यामध्ये पुराच्या अनुषंगाने न करता जास्तीत जास्त लोकांनी जे प्रशासनाच्या तर्फे जे खाजगी कृत्रिम तलावाची निर्मिती केली आहे त्यामध्येच गणपतीचं विसर्जन करावे असे आवाहन मी या निमित्ताने करतो। धन्यवाद।